चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। दो दिन वीकेंड होने के चलते आज इनके कार्यकाल का आखिरी दिन रहा। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए जो कि यादगार रहे, राम मंदिर का फैसला। खैर, देखते हैं रिपोर्ट। चीफ जस्टिस के कार्यकाल का आखिरी दिन, 3 मिनट में 10 केस में नोटिस, 17 नवंबर को हो रहे हैं रिटायर, ऐतिहासिक फैसले के लिए किए जाएंगे याद। अक्टूबर 2018 को जब जस्टिस की कुर्सी में रंजन गोगोई बैठे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि दशकों से लंबित और जटिल मामले में निपटारा हो जाएगा। 18 नवंबर 1954 को असम के डिब्रूगढ़ में जन्मे गोगोई के पिता केशव चंद्र गोगोई कांग्रेस नेता थे और 1982 के दौरान कुछ वक्त राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। एक वक्त जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका बेटा भी राजनीति में आएगा तो केशव चंद्र गोगोई ने कहा कि नहीं, कभी नहीं आएगा, लेकिन एक दिन देश के सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस जरूर बनेगा। अपने पिता के इन्हीं वचनों को रंजन गोगोई ने साकार किया और अपने कार्यकाल को यादगार बनाया। रंजन गोगोई ने कुल 47 फैसले सुनाए जिसमें से कुछ दशकों से लंबे और जटिल केस रहे। आइए जानते हैं वो ऐतिहासिक फैसलों को जिनके लिए गोगोई को याद किया जाएगा। जस्टिस गोगोई के यादगार फैसले। अयोध्या मामला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली 5 सदस्य पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन को रामलला विराजमान को देने और मुस्लिम पक्षकार को अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। सीजीआई दफ्तर भी अब आरटीआई के दायरे में चीफ जस्टिस के रूप में बेंच की अध्यक्षता करते हुए सुप्रीम कोर्ट दूरगामी परिणाम वाला अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि देश की सर्वोच्च अदालत का सुप्रीम दफ्तर आरटीआई के दायरे में आएगा। सबरीमाला मामला। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की, साथ ही मामले को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्य बड़ी बेंच को भेज दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जारी रहेगा। सरकारी विज्ञापन में नेताओं की तस्वीर पर पाबंदी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और पीसी घोष की पीठ ने सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगा दी थी, जो राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम है। अंग्रेजी और हिंदी समेत 7 भाषाओं में फैसला। अंग्रेजी और हिंदी समेत 7 भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रकाशित करने का फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ही लिया। इससे पहले तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित होते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंग्रेजी और हिंदी समेत 7 भाषाओं में आएंगे। राफेल डील। राफेल डील पर भी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सर्वोच्च न्यायालय के पुराने फैसले को कायम रखा है। 5 जजों की बेंच ने पूर्व में सरकार के पक्ष में आए फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। सत्रह नवंबर को रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं। 2 दिन वीकेंड होने के चलते उनके कार्यकाल का शुक्रवार को आखिरी दिन रहा। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन रंजन गोगोई सिर्फ 3 मिनट के लिए ही कोर्ट में बैठे। कार्यसूची में शामिल 10 मुकदमों में नोटिस जारी किया और अब अगले चीफ जस्टिस बोबडे होंगे। आर9 टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।